कोविड महामारी के दौरान नौकरी की लालसा को दरकिनार करते हुए हमीरपुर के एक नौजवान युवक ने स्ट्रॉबेरी को सफलतापूर्वक उगाया और पैसा कमाया है। हमीरपुर के साथ लगते विकास नगर में युवा प्राकृतिक लखनपाल ने खाली पड़ी हुई भूमि पर साफ सफाई करके 1000 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए, जिसमें सफलता मिली है और अब इन पौधों से अच्छी आमदनी भी हो रही है। तो हमीरपुर में प्राकृतिक तौर तरीकों से स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी भी खाने को मिल रही है। अब तक 1 क्विंटल तक स्ट्रॉबेरी की पैदावार होने पर खेतीबाड़ी में दिलचस्पी रखने वाले युवा प्राकृतिक लखनपाल भी बेहद खुश हैं। प्राकृतिक लखनपाल ने बेंगलोर से स्ट्रॉबेरी के 1000 पौधे मंगवाए और सही ढंग से देखभाल करने के बाद अब पौधे अच्छी आमदनी दे रहे हैं। मार्च माह में स्ट्रॉबेरी के पौधों पर फल लगना शुरू हुए और रोजाना 5 से 10 किलो स्ट्रॉबेरी अब मिल रही है, जिसे सब्जी मंडी में भी 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। युवा प्राकृतिक लखनपाल ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्ट्रॉबेरी के प्लांट मंगवाए थे और वातावरण के अनुकूल होने के चलते स्ट्रॉबेरी के पौधों पर फल मिलना शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि महंगे पौधे खरीदे थे ताकि बाद में मुनाफा भी हो सके। उन्होंने बताया कि पूरी तरह से देखभाल करते हुए जैविक तरीके से पौधों की देखभाल की है और अब अच्छा उत्पादन मिल रहा है। प्राकृत ने बताया कि शौकी तौर पर लगाए गए स्ट्रॉबेरी को बेचने के उद्देश्य से नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी अच्छा उत्पादन होने पर अभी से सब्जी मंडी में बेचा जा रहा है, जिससे अच्छे दाम भी मिल रहे हैं और लोग भी स्ट्रॉबेरी को बेहद पसंद कर रहे हैं। प्राकृत ने रोजगार घूम रहे युवाओं को भी कहा कि बेकार घूमने से अच्छा है कि मेहनत करते और खेतीबाड़ी की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। सर, हमारा कंसेप्ट ये था कि हमें नॉर्मल जो वेजिटेशन होती हैं उसमें नहीं जाना है, हॉर्टिकल्चर में ही जाना है और हमें एग्जॉटिक फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि उसका जो प्राइस होता है मार्केट में वो बड़ा अच्छा मिलता है। तो पहले मैंने मेरा जो ये है वो ये पायलट प्रोजेक्ट है 1000 प्लांट्स के साथ, जो मैंने महाबलेश्वर से आगे जगह है एक सोलापुर, वहाँ से मंगवाए हैं। राइज एंड शाइन करके कंपनी है। मेरे को यहाँ पे भी सोलन में भी काफ़ी सारे प्लांट्स मिल रहे थे 3 रुपये में, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सपेंसिव प्लांट्स लेना का मन बनाया, क्योंकि जो कंपनी मतलब हिमाचल में 5000 या 50000 प्लांट्स बेचेंगे लोग, और जो दूसरी कंपनी है पूना में महाराष्ट्र में, वो 50 लाख प्लांट्स बेचती है साल के स्ट्रॉबेरी के ही। और ये विंटर डॉन वैरायटी मैंने लगाई है। मैंने जब लगाया था तब नवंबर था, ठंड बहुत थी, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी तक प्लांट्स को सर्वाइव करना था, और फिर मेरे को जो बताया गया था कि फरवरी मार्च के आसपास इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो स्ट्रॉबेरी का मतलब मेरे को एंड ऑफ ऑल ये था कि मैं पैसे खर्च दूं और उसके बाद मेरे को प्रोडक्शन ना मिले, तो मैं वैसा नहीं चाह रहा था, तभी मैंने थोड़े एक्सपेंसिव प्लांट्स लिए थे। और इनकी फ्रूटिंग ठीक आई है, सारा मतलब एक प्लांट एक सीज़न के हिसाब से अराउंड 500-600 ग्राम्स के आसपास फ्रूटिंग दे देता है। अगर इनकी केयर की बात करें, कैसे इनकी केयर की बात? सर, दो मॉडल्स आपको दिख रहे होंगे। एक है कि मैंने बोरियां लगाई हैं, दिस इज़ द देसी जुगाड़ विच वी कैन से, कि मैंने पैसे ना खर्च करते हुए कोई यहाँ पे था जिससे बोरियां नहीं, उसमें छेद लगाया और उसमें मेरे को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आई, मतलब खर पतवार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वेराज दूसरा मॉडल है मल्चिंग शीट। मल्चिंग शीट क्या होता है, उसका एक रोल आता है 400 मीटर्स का, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, ऑब्वियसली जो फ्री की चीज़ है वो नुकसान थोड़ा बहुत करके जाएगी जाएगी। वेराज अगर आप मल्चिंग शीट लगाओगे तो यहाँ पर अगर आप देख भी सकते हो बीच में, तो जहाँ पे मैंने क्रॉप लगाई है उसके अंदर कोई भी बहुत कम वीड्स आपको आएंगे, और इसकी मेंटेनेंस में हमें कोई बड़ा खास प्रॉब्लम नहीं आई। जब हम बात करें प्लांट्स के बारे में, तो जब मैंने मल्चिंग शीट से काम करना शुरू किया तो मल्चिंग शीट में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसमें खरपतवार बहुत अच्छी तरह रुक जाता है, सारा न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलता है, और इस मॉडल में फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। अगर प्लांट्स की बात करें तो कितने टाइम में प्लांट्स लगना शुरू हो गए? सर, मैंने मतलब इसका अच्छा सीज़न जो होता है, मेरे को बाद में मैंने मन बनाया था स्ट्रॉबेरी प्लांट्स लेने का, सितंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। सितंबर में आपको बाहर से, आप जहां मर्जी से लेना चाहो, महाबलेश्वर से ले लो, राइज एंड शाइन कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज हैं, सोलन से लेना है सोलन से ले लीजिए, यूनिवर्सिटी से लेना है, वो अपना मन बनाना पड़ता है कि आपको कहां से लेना है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरे को टेंशन नहीं चाहिए थी, मेरे को फ्रूटिंग ही चाहिए थी और मेरे को इसके ऊपर लेबर कम लगानी थी, तो उसके लिए मैंने थोड़े एक्सपेंसिव प्लांट्स लिए थे ताकि मेरे को फर्स्ट ईयर मेरे को समझ आ जाए कि ये चीज करनी कैसे है। सो एज आई टोल्ड यू, इट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट। 1000 प्लांट्स मैंने लिए थे, 900 उसमें से सर्वाइव हो गए हैं, कुछ सूख भी जाते हैं, वो आपको लेके चलना चाहिए कि मर जाएंगे। और उसमें से भी अगर मैं कहूँ तो अराउंड 600 प्लांट्स मेरे पास बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं, सारे नहीं देते हैं। आपकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल क्या है? सर, मैं हेम अकेडमी पब्लिक स्कूल में एक एडमिन ऑफिसर काम करता हूँ,
और स्कूल के पास ही हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी लैंड है जो स्कूल के अंडर ही टेक ओवर की है, और हमें जो बहुत फ़ायदा हो जाता है स्कूल के थ्रू वो है उनका एसटीपी प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो पाइप्स के थ्रू हमने कनेक्शन करके यहाँ पे डायरेक्टली पानी आता है, जो भी मल मूत्र होता है स्टूडेंट्स का सारा हम लोग खेतों में डालते हैं, और जो वाटर वेस्ट होता है उसको हम लोग खेतों में डालते हैं, जिससे हमें कोई भी फर्टिलाइज़र कोई भी न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके मन में स्ट्रॉबेरी का आइडिया क्यों आया और क्या लगता था जब स्टार्टिंग में किया तो कितना सक्सेस हो पाना? सर, पहले फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बड़े सारे फार्मर्स से मिला, मैं गरीब फार्मर्स से मिला और उन लोगों से मिला जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। मतलब मैं ऐसे लोगों से मिला जो साल के 70-80-90 लाख रुपए फार्मिंग से ले रहे हैं, एंड उन्होंने मेरे को जो समझाया कि दिस इज़ अ प्रोफेशन जो आपको अपने धरती से भी जोड़ के रखता है, एज वेल एज आप अपना इससे प्रॉफिट भी ले सकते हो अगर आप ढंग से करो। सो इससे अगर आप समझिए, अगर मेरे पास 900 प्लांट्स हैं तो हर प्लांट अगर 500 ग्राम्स का मेरे को स्ट्रॉबेरी दे रहा है, और मैं उसको जो मेरा सप्लायर है उसको 100 रुपये में बेच रहा हूँ, फिर आगे सप्लायर उसको 250 से लेके 200 रुपये के बीच में बेच रहा है, सो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, विद इन 4 मंथ्स आई एम गेनिंग अराउंड 1.5 लाख रुपीज़, 1 to 1.5 लाख रुपीज़। सो हम प्रैक्टिकली इसको मार्केट में हमने बहुत कम टेस्ट किया है, मतलब मैंने कोई 25-30 किलोज ही मार्केट में भेजी है, बाकी मैं अपने लिए मतलब अपने घर के लिए स्कूल के लिए यूज़ करते हैं जैम्स और फ्रूट्स के लिए। सो हमारा कोई बहुत ज़्यादा सेल्स पर्पस नहीं था, बट येस आई हैव सीन पर्सनली कि अगर आप इसको 1 एकड़ 2 एकड़ में करो तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है दैन द नॉर्मल कैश क्रॉप्स दैट यू आर डूइंग। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप? सर, मेरा नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग हाइड्रोपोनिक्स की तरफ जाएं, क्योंकि अगर मैं सॉइल में खेती करता हूं तो रूट्स को पेनिट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, वेयर एज अगर हम पानी में वही चीज़ हाइड्रोपोनिक्स मतलब आप पानी में अगर खेती करते हो तो सॉइल को वो सॉइल लेस खेती होती है, रूट्स भी अच्छी तरह पहुंच जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स भी वहीं मिल जाता है, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है उसमें सॉइल तो कहीं है ही नहीं, वो CH2 वो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है, वो नॉर्मली प्लांट को चाहिए होता है तो उससे ग्लूकोज बनता है। तो मैं मेरा जो मेन एम है, आई वॉन्ट टू बिकम अ पर्सन हु इज़ इनटू हाइड्रोपोनिक्स रादर देन नॉर्मल जो हम लोग सॉइल में खेती करते हैं। इट्स द नेक्स्ट स्टेप एंड इट इज़ द फ्यूचर। प्रैक्टिस जी, पीछे लॉकडाउन था, कोविड भी अभी भी है चला हुआ, जैसे कई युवा हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, क्या मैसेज करेंगे? सर, आपको उस अगर आपके पास लैंड कम है, मतलब आपको 3-4 कॉम्प्लिकेशंस अपनी समझनी चाहिए, जिस फार्मर के पास लैंड है तो बेस्ट तो यही है जो चीज़ डिमांड में है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है तो उसका रेट जो है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, तो आपको वो उस चीज़ में आपको कदम रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरीज़, एग्जॉटिक फ्रूट्स में अगर हम बात करें मलबरी, ब्लूबेरीज, जो बड़े बड़े लोग खरीदते हैं और जिनका थोड़े से क्वांटिटी में ज़्यादा आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। दूसरा, जब तक आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, हॉर्टिकल्चर में आप नहीं घुसेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब वीडियोस देख के सीखी हैं, बहुत सारे लोगों से मिल के सीखी हैं। एग्रीकल्चर इज़ एन आस्पेक्ट विच यू कैन कॉपी एंड पेस्ट, बट आपको मैनेजमेंट उसकी खुद करनी पड़ेगी कि आपने किसी का मॉडल उठाया वो आप यहाँ पे चला रहे हो, जैसे इज़राइल से टेक्नोलॉजीज आती हैं हम यहाँ पे चलाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वही होता है कि अगर आप खुद उस चीज़ को मैनेज नहीं कर रहे हो तो आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि बाजार में 200 से 250 रुपए किलो के हिसाब से मिलने वाली स्ट्रॉबेरी के मीठे फल का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रायल सफल रहा है, जिससे लोगों ने भी खुशी जाहिर की है। स्थानीय निवासी मदन लाल ने बताया कि स्ट्रॉबेरी बाहर से ही हिमाचल आती है लेकिन प्राकृत ने अच्छा प्रयास किया जिससे स्ट्रॉबेरी अच्छी लग रही है। उन्होंने बताया कि अभी दोबारा से भी इसमें फूल फल रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉबेरी लगने की उम्मीद है। अरे प्रकृति जी हैं, इन्होंने जो है पूना से मंगवाई थी तो हम पहले जो हम देखते थे दुकानों के ऊपर जो है पैक होकर आती थी, बोले बाहर से आती है, फिर हमने पौधे मंगवाए तो एक बार जो है हमने इसको लगाया तो लगभग हमारे पूरे के पूरे पौधे जो है वो लग गए और अच्छी इसमें लग रहे हैं, बड़ा है फ्रूट भी उसका और अच्छा फ्रूट लग रहा है, डेली का तोड़ के जो है हम बेच रहे हैं इसका जो है, तो और भी अगर लगाएं तो लग सकती है इस ज़मीन के ऊपर जो है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो है, डेली की 4-5 किलो 4-5 किलो जो है वो गई है। हाँ, जब शुरू में था ना अच्छा फ्रूट आ रहा था शुरू में, अभी थोड़ा ख़त्म हो गया, अभी नया फ्रूट बन रहा है तो अभी उसके बाद ही होगा, बस 4-5 किलो जो है वो हमने नीचे बाजार में दिया मंडी में जो है। क्या मानते हैं, कैसा टेस्ट और क्या सक्सेस है? बढ़िया है, जैसे बाहर का टेस्ट है वैसा ही इसका है, कोई इसमें ये नहीं है, अच्छा है।
पर खुद अपना उगाया हुआ और भी अच्छा है, ऑर्गेनिक है, इसमें ना हमने खाद दिया ना कुछ किया, बस मिट्टी है, आप चेक कर लो, उसमें पानी है बस, इसका जो है ऑर्गेनिक पानी जो दे रहे हैं उसी से थ्रू लिया है हमने, कोई खाद डाल रहे हैं या वो डाल रहे हैं वो नहीं है कुछ भी जी।